कोई दो आदमी अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। नमस्ते, नमस्ते। जाकर देखो कौन है, जाओ 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 जल्दी। ए, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों को किससे मिलना है? ए, ए, कौन हो तुम लोग हाँ, जो मेरे आदमी पे हाथ उठा रहे हो? हम पुलिस वाले हैं। पुलिस सर, हम आप क्या सच में पुलिस में शामिल होने वाले लग रहे हैं? हम दोनों तो यही सोच रहे थे। पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं क्या? इतने समझदार नहीं है हम सर। खैर छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं? कल प्रदर्शन क्यों निकाला था? हमने तो बहुत प्रदर्शन और जुलूस निकाले, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी नई फिल्म जो टीवी पर आने वाली थी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था कि नहीं? सर आप उस फिल्म के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? सर वो क्या है कि हमने ये सोचा कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो अगर यहाँ आएंगे तो हमारे प्रदर्शन से खुश होकर के हमें पैसे देंगे और हम भी मालामाल हो जाएंगे, इसीलिए हमने प्रदर्शन किया है सर। इससे अच्छा है कि तू अपने गांव में जाकर वहाँ भीख मांग। और ये सुलेमानी बेइज्जती मत करो, उस जमाने की फिल्म लग जा गले मोहब्बत से को रोकने वाले किशन लाल का पोता हूँ मैं, समझ रहे ना आप? ये क्या इंक्वायरी कर रहे हैं सर, चलिए। सोचा था फिल्म का विरोध प्रदर्शन करूंगा तो पैसे मिलेंगे, यहाँ तो उल्टा और बेइज्जती हो रही है। अरे कितना मारा उन लोगों ने। अरे भाई ये सब तो पॉलिटिक्स के लिए आम बात है, अभी देखना भाई वो प्रोड्यूसर और हीरो पैसों का बंडल लेकर आएंगे। रैली में तुम दोनों थे ना? कौन सी रैली की बात कर रहे, इसको जानते हो क्या? अच्छा ये इसे हम नहीं जानते। अब कल की रैली याद आई? नहीं गई। सच बोल। दोबारा जब आपने धुलाई की तब याद आ गई सर। अरे सर तो मत थूकिए। हम पुलिस और हम लेडीज। अंडरस्टैंड? कल दलसिंह राय में जो विरोध प्रदर्शन किया था अधीरा फिल्म के खिलाफ, उसके लिए परमिशन लिया था क्या? अभी जो ऑफिस में घुस गए इसकी परमिशन मिली थी? बातों की तरह बात मत कीजिए। कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें गुंडों ने वहाँ आकर जो उन लोगों से मारपीट की थी, अगर किसी को कुछ हो जाता तो? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी लफड़ा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, करने दो, हम लड़ेंगे क्योंकि हम लेडी फाइटर्स हैं, लेडी फाइटर्स हैं, लेडी फाइटर्स हैं। अरे अरे क्या हुआ? सब औरतों के प्रॉब्लम पर भरोसा करोगे, हमारे प्रॉब्लम पर नहीं? पूछताछ तो करनी पड़ेगी, इसीलिए चुपचाप से टक लेते हैं। तो आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया था, किसी ने उसकाया था क्या? हमें कोई नहीं बहका सकता, न्याय की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए हम खुद ही बहक जाते हैं, समझे? एक क्या ढूंढ रही है सर? यही पत्ता रखा था, कहाँ गया? ये देखो, देखो इसे। हाँ, पत्नी के अलावा सारी औरतें सुंदर होती है, तुम झुक झुक कर देखो, हम थोड़ा मजे ले लेते हैं। ये फोटो देखी आपने, कैसी खींची है, सर पे पत्थर रखा है और आदमी कमर को चूम रहा है, हैं? ग्लैमर यही होता है क्या? वैसे तुम भी काफी ग्लैमरस हो। ठीक है, विरोध करना है तो कमिश्नर के ऑफिस का विरोध करो। महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। सर जरा प्यार से पकड़िएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जोर से मत पकड़िएगा, नहीं तो टूट जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे अरे रुकिए, आप लोग रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। हाँ रुकिए, एक्सक्यूज मी। सुनिए सर, बाजी भटो, सुनिए सर, अपना हाथ पकड़ा कर ये फोटो खिंचवाना चाहती है और फिर फेसबुक पर डालकर हमें बदनाम कर देगी सर, चलिए यहाँ से भागिए। कुमकुम शैलवा कुमार बोल रहा हूँ। अरे कुमकुम सर, कैसे हो? कुमकुम सर का फोन, कुमकुम सर कैसे हो बताइए। ये क्या चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं सर, एक बड़ी फिल्म बनाने की बात हो रही है ना, उसी की आवाज आ रही है आपको। अरे बताइए आप बोलिए, बोलिए ना, आप कैसे आ रहे हैं? मार खा कर आ रहा हूँ, मतलब ऑडी कार से आ रहा हूँ सर। ऑडी कार? अच्छा आइए भाई। सर ब्रांड पियेंगे क्या? नहीं सर। आप नहीं पीते हैं क्या? विस्की कभी कबार, वरना ब्रांडी से काम चला लेता हूँ। बॉडी गार्ड मुनेश्वर। अच्छा भाई बताइए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो सर मैं सिर्फ एक ग्लास पियूंगा, उसके बाद कोई कंप्लेंट मत करना। अरे छोटो मेरा एक ग्लास बना के ला। ये मेरा ग्लास है इसलिए आप डालिए। डालिए 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 डालिए, खत्म हो गया। भाई आप फिल्म वाले हो, ये आपने साबित कर दिया। आप समझ गए क्या? एक फूल और लेकर आ। हाँ लाइए ना। लीजिए। सर ओपन किया तो बॉम्बे और वहाँ का बहुत बड़ा डॉन
वो चेन्नई आ रहा है और चेन्नई आकर झोपड़पट्टी में रहकर ऑटो चला रहा है। भाई आपको पसंद आया ना, इसमें सुपरस्टार ने काम किया है भाई। ये लो सीडी। पकड़ा गया सर। हाँ। फिल्मी दुनिया के इतिहास में हाँ। इस तरह की फिल्म तो कभी नहीं बनी होगी। हाँ। एक सुंदर सी लड़की और एक सुंदर हाँ। सा लड़का एक दूसरे हाँ। को बिना देखे प्यार करते हैं। नेशनल अवार्ड मिलेगा सर। मिल गई। ए लो कटहल की कुटाई फिल्म, सीडी रखो। ये भी इसको पता है दोबारा कभी किसी को कहानी नहीं सुनाऊंगा। भाई हमारी जिंदगी में होने वाली कुछ अलग कहानी बताओ, फिल्म बनाएंगे। जिगर का धंधा जैसी कहानी, विलन वाली कहानी नहीं चाहिए, अच्छे इंसान की, अच्छा काम करने वाला, इस तरह की कहानी सुनाइए, हम सबको अवार्ड जरूर मिलेगा। चलो उठो। तूने मेरे को एक हाफ क्या पिला दी तो तू कुछ भी करेगा। हाफ पिलाई तो क्या हुआ, लेकिन साइड डिश का तेरा बाप मुझे। मतलब तू सिंदूर लगा के कुछ भी बोलेगा। भाई की सोच में पड़ गए। चलो उठो। अरे उठो साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपने हिसाब से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ठीक है तो रोने की क्या बात है। अरे तुम सोच में मेरी धुलाई करके माफी मांग रहे हो, तुम ही डायरेक्टर रहोगे, हीरो हम ढूंढ लेंगे। मच्छी 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 लीजिए, मच्छी 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 मच्छी। क्या है? तुम्हारी मछली बहुत अच्छी है, मैं उसे पास आकर देखना चाहता हूँ। कभी मछली नहीं देखी है क्या? देखी है लेकिन ऐसी अच्छी मछली मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए पास आकर देखना चाहता हूँ। मच्छी 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 लीजिए मच्छी। सारे पेड़ों को काट दिया है। ओहो कितनी गर्मी है। आओ आओ मच्छी ले लो। अरे कोई तो मछली ले लो, बदन दर्द के लिए सन्ना डक्का, माँ के दूध के लिए दूध सुरा, सिर दर्द के लिए बुडला कन्ना, और छोटी मोटी बीमारी के लिए अय्यारा मछली। सुनो उसके लिए मछली है क्या? किसके लिए? वो दिल में दर्द है ना, उसके लिए कोई मछली है क्या? हाँ है ना, काट के दूँ क्या? ये क्या डबल मीनिंग में बात कर रही है? तुझे तो अभी बताती हूँ, बिना मुंह धोए मेरा पीछा कर रहा है। तेरी पत्नी को जाके बताऊं, तेरी धुलवाई कराऊं क्या मैं उससे? हाँ नहीं, नहीं, पीछा करना भूल जाएगा। मेरी पत्नी को मत बताना, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे कौवे मेरी मछली ले गया। ए कौवा ए ए कौवा मेरी मछली दे। ए देख के नहीं चल सकता क्या? ए तुम मुझसे आकर टकराई हो, ऐसे सामने देखकर कोई टकराता है क्या? लड़कियों को मैंने जमीन देखकर चलते हुए देखा है, तुम आकाश देखकर चल रही थी। अरे क्या बताऊं, वो कौवा मेरी मछली उठा के ले गया, इसलिए उसका पीछा कर रही थी। कौवा मछली लेकर उड़ गया है कहाँ? हाँ अरे वाह, अरे वाह मेरी मछली, अरे मेरी मछली देना, अरे देना, अरे कहाँ रखी तूने मेरी मछली? हाँ कहाँ रखी है? ये क्या कर रही है? वहाँ हाथ मत लगाओ। क्या कर रही हो? गुदी हो रही है। कौवे को क्यों दे दी? हाँ वो कौवे का भोजन है इसलिए। अच्छा पता है कितने की है? पाव किलो 1000 रुपए की है। चल 100 रुपए दे। 100 रुपए? हाँ दे। मैं नहीं दे सकता, जो करना है करो। तो फिर अपनी शर्ट दे, मछली देना और लेकर जाना। शर्ट दो मेरी। तुम लोग यहाँ कब पहुँच गए? जब आपने कौवे को पत्थर मारा था ना, तभी हम लोग पहुँच गए थे। ये देखिए खून। देखा टिंगू ने भाई के लिए खून बहाया। तेरी तो भाई के लिए खून क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे एक बात सच सच बता दो, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए शर्ट दे दिया, या उससे मोहब्बत हो गई इसलिए दे दिया? Come on, tell me. भैया मछली ले लो मछली। अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भैया हमें हरी सब्जी खिलाते हैं, हम लोग मछली नहीं खाते। अरे मैं गरम गरम पकी हुई मछली लाई हूँ। अरे तू ठीक है दो, ये ले। अरे तू यहाँ चल, मेरी मछली वापस दे। उस छोटी मछली के तुझे 100 रुपए दे रहा हूँ, रख ले। मुझे ये सब नहीं पता। हाँ मुझे मेरी मछली चाहिए, मछली दे फिर मैं जाऊंगी। ये नहीं हो सकता, उसे वो कौवा ले गया। हाँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी मछली चाहिए बस। तुझे मछली चाहिए ना, ठीक है पकड़ के दे दूंगा। एक
छोटी सी मछली के लिए मेरे भैया से इतने सवाल कर रही हो तुम? एक मछली क्या चार चार मछली दे देंगे? कहाँ देना है, कैसे देना है तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं भैया को वहीं भेज दूंगा। ए, तू भेजेगा? ठीक है तो भेज देना। कहाँ आए बताओ, कल आपके पास आ जाएगा। नीचे से क्या उठाना है? पैसे उठाने हैं, कपड़े उठाने हैं। ये तेरा भाई तेरे पेट के ऊपर क्या लिख रहा है? हाँ सब तुम्हारी वजह से, तुम टाइम पर नहीं आई इसलिए। ये लो। हाँ मैं तो रेडी हूँ, तू रेडी है क्या? ऐसे कपड़ा नीचे करते हैं, फिर उसे धीरे से पकड़ के उठाते हैं। ये कई काम से? हाँ आराम से आराम से। हाँ अरे अरे फंस गया फंस गया। आ क्या हुआ तुम्हें? पैर फंस गया। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे ही खड़े रहो, मैं देखता हूँ। लगता है कांटा है। हाँ ऐसे ही खड़े रहो। हाँ हिलना मत। हाँ मैं निकाल रहा हूँ। दर्द हो रहा है। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बाबा हम मछली पकड़ रहे हैं। वो पकड़ रहा है या तुम पकड़ रही हो? इसने यहाँ बुलाया था। क्यों, इस तालाब में तो मछली नहीं है तो कहाँ से पकड़ोगे? क्यों, तालाब की मछली को संभाल के पकड़ना पड़ता है, समुद्र की मछली को भी पता नहीं तुम लोगों को? क्या यार, तेरा भाई तो कुछ ज्यादा ही भोला है। पाँव में कांटा चुभा नहीं था, फिर भी उसे लगा कि कांटा चुभ गया है। तो खुली जा रही थी। चलती हूँ। ये तो बहुत चालाक है। चलो 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 चलो। अच्छा मौका मिला है, क्या चांस है। और वो ना इसी तरफ आ रहे हैं, तुम मुझे प्यार करने की एक्टिंग करो ना। प्यार करना होगा, नहीं तो वो मेरा रेप कर देंगे ना। तुम्हारा? अरे रे, सब गड़बड़ है। ओ भाई लोग, जरा इधर आओ। क्या हुआ? किसने बुलाया यार? अरे इधर आओ, चलो देखते क्या हुआ भाई। रेप करो इसका। क्या बोल रहा है यार, पागल हो गया क्या? अगर हम इसका रेप करेंगे तो आप आके हमें पीट दोगे। ये लड़की आपसे इम्प्रेस होगी और बाद में आई लव यू बोलेगी। मैं ऐसा ही होता है भाई। हम लोग चलते हैं, मजे करो। बाय, नमस्ते। ये सब लोग बेचारे डर रहे हैं, तुम भी ना। खाना खुद ब खुद तुम्हारे सामने आके थाली में परोस दिया जाता है और तुम ओके खाना खाने को तैयार नहीं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं, एक नंबर के पप्पू हो, पूरा टाइम वेस्ट। ये क्या बात कर रही है? पावर हाउस के बड़े बल्ब हो कह रही है। लेकिन तुम ट्यूबलाइट हो भाई, भागो रे भागो। सिनेमा डायरेक्टर है। ए हाथ छोड़ इसका। सर आपने कौन कौन सी फिल्म बनाई है? सर एक्चुअली सिंघम पार्ट 1 पार्ट 2 बना, अब सिंघम पार्ट 4 बना रहा हूँ। अरे मुझे पागल समझा है क्या? ये सारी फिल्में बड़े डायरेक्टरों की हैं। इधर है सर। असल में कमल हसन गेटअप बदल कर आए हैं सर। कमल हसन, कमल हसन है। कमल हसन सर, अपने गांव में कमल हसन सर आए हैं। कमल सर हमारी रक्षा कीजिएगा। सर आप हमारे गाँव आए, ये देख के हमें काफी खुशी हो रही है। सर आपके डायरेक्शन में एक फिल्म करना चाहता हूँ सर, आप मुझे चांस देंगे क्या सर? हाँ उसके पहले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तब तक हम बैठकर सीन बना लेते हैं। भाई आप इतना क्या सोच रहे हैं? चुप कर। हाँ सही कहा सर, सही कहा। हाँ यस यस। हे हम जिस लड़की को उठा के लेके आए हैं उसे यहाँ लेके आ, अभी लाता हूँ। कमल हसन मजा आ जाएगा, धमाल कर दूंगा मैं। एक्शन। अरे मारना मुझे, एक्टिंग नहीं आती क्या? अरे सुपर लोकेशन, इस फिल्म का क्लाइमेक्स हम लोग यहीं पर शूट करेंगे। नहीं हो सकता, अगर हम लोग वहाँ पर चले गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई ने दिमाग लगाकर उन लोगों को आपस में लड़वा दिया और हम लोग वहाँ से भाग गए। अब तू रजनीकांत बनेगा? अरे इस तरह की फिल्म किसने बनाई? अरे डायरेक्टर है कौन आखिर? वो अकेले क्या करेंगे, ये आइडिया तो मैंने ही दिया था। तू चुप रह, तू मुझसे चार साल छोटा है, फिर भी मैं तुझे बड़ा भाई बोलता हूँ। समुंदर में फेंक दूंगा। सर 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 आपने कट नहीं बोला और ये मुझे मारे जा रहा है सर। अरे रुकना सर, कट करो।
सर, एक्टिंग करवाइए ना सर। एक्टिंग करवा सकता हूँ, लेकिन शूटिंग तुम्हारे लोकेशन में करेंगे हम लोग। ठीक है सर। एसन, अगर तुझे एक्टिंग में मौका दिया तो तू मुझे मस्त खाना खिलाएगा क्या? खाने की बात कर रहे हैं सर, सर मस्त मटन बिरयानी बनाऊंगा। ओ ये है, आप लोग फाइट चोरी कीजिए, मैं उसे बात करके आता हूँ। अरे कम ऑन बॉयज, कम ऑन, चलो। मैं फाइट करूंगा, मैं फाइट करूंगा, ऐसा बोल के जिद पे अड़ा बैठा है वो। आप कह देते कि स्टोरी में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। मैंने बोला था, लेकिन मेरे लिए स्टोरी चेंज करो, मैं फिल्म का फाइनेंसर कह रहा है। अब बोलो क्या करूं? थाईलैंड को हिलाने वाला खतरनाक विलन है, बोल रहा है खुद को, तो उसे वहीं रहने दो। मैं बंगाल का विलन, बंगाल का विलन, बंगाल का विलन। कहानी बदल दी, मैं हांगकांग में रहूंगा तो कहानी बदल दोगे? खुद ही देख लो, बहुत अमीर और हैंडसम दिखते हैं सर। रुको रुको, सुंदर तो मैं हूँ, लेकिन अमीर आदमी बोलकर कमेंट मत करो, कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। कमॉन मेरे पेट में मारो, कमॉन मारो मारो मेरे पेट में मारो। अरे इतना स्लो मारने से नहीं चलेगा, कम ऑन जोर से मारो, जोर से मारो, कम ऑन, कम ऑन। हे देखो देखो, चलिए टेक करते हैं, मस्त एक्टिंग करते हो। अरे इतनी जोर से मारने वाले हो, पहले पहले बता देना चाहिए था।